हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे रेडमी नोट 13 5G डिवाइस के बारे में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गाइस फुल स्क्रीन डिस्प्ले फीचर, हाउ टू यूज़। सो गाइस, आपको अपने डिवाइस में फुल स्क्रीन डिस्प्ले फीचर किस प्रकार से यूज़ करना है, सो गाइस इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। उससे पहले गाइस, आपको सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, इनगेज बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना है। सो गाइस, आपको अपने डिवाइस में गाइस फुल स्क्रीन डिस्प्ले फीचर यूज़ करने के लिए गाइस आपको अपने डिवाइस में सेटिंग्स में चल जाना है। इनके सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस शो होगा। गाइस आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इनके स्क्रॉल करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग्स पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। गाइस यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर गेस्चर्स पर क्लिक करना है। गेस्चर्स पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार टच कर लेना है, जिससे गाइस आपकी डिवाइस में फुल स्क्रीन डिस्प्ले फीचर अपना हो जाता है। इनके साथ आपकी जो बटन्स होती हैं यहाँ से डिसेबल हो जाती है। सो गाइस, इस प्रकार से गाइस आप अपने डिवाइस में फुल स्क्रीन डिस्प्ले फीचर, सिस्टम नेविगेशन फीचर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इतना हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।